विधानसभा चुनाव के लिए जेजेपी व आसपा के संयुक्त प्रत्याशी सुशील गर्ग नरवाना ने भाजपा के संकल्प पत्र को आड़े हाथों लेते हुए उनके मैनिफेस्टो को झूठ और फरेब का पुलिंदा बताया है। उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो में झूठ और भ्रामक चीजें नहीं फैलानी चाहिए। हर लाडली को 2100 रुपए देना क्या संभव है, वह भी प्रतिमा। यह तो हरियाणा में उन वादों की तरह है कि 15 लाख रुपए आएंगे, लोग अब बीजेपी की चाल समझ चुके हैं और वे उनके बहकावे में नहीं आने वाले। उन्होंने कहा कि अब उन्होंने सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा किया है, जबकि 400 के सिलेंडर को 1150 तक करने में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का हाथ है। उन्होंने कहा कि आमजन जो दाल और रोटी खाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, उसकी थाली से दाल गायब करने व रोटी को उसकी पहुंच से दूर करने का काम बीजेपी ने ही किया है। हरियाणा के युवकों को पक्की नौकरी न देकर सभी को कच्ची व स्थायी नौकरी व पोर्टल देने का काम किया है, जो कि एक खुद जी का जंजाल बना है। इतनी आईडी और इतने पोर्टल जिनकी स्थिति कभी स्पष्ट नहीं हुई। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।